नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीन राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, क्या कहता है आपका राशिफल। विस्तार से चर्चा करेंगे दर्शकों, तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली हमारे द्वारा दिखाना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कि जून के महीने में ग्रह स्थितियां आपके लिए कैसी रहेगी। देखिए, आपके राशि स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर तीन ग्रहों की युति गुरुदेव के साथ और बनी हुई है, शुक्र, बुध और सूर्य की। ये आपके पराक्रम में वृद्धि करवाने वाला समय रहेगा। इस महीने आप मेहनत बहुत करोगे और साथ ही साथ आपका भाग्य भी पूरा साथ देगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव भाग्य भाव पर है, तो अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। इसके बाद दर्शकों, राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। केतु आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, मंगल आपके वाणी भाव और धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है जून के महीने में, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसके बाद दर्शकों, शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये सभी ग्रह मिलकर आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इसके विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उन अशुभ दिनों की, जहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो जून में 12 जून और 13 जून का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है 12 और 13 तारीख को। इसके बाद दर्शकों, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा तनाव रहने वाला है इस दिन। आपकी भागदौड़ ज़्यादा रह सकती है, व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहिए, चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, मन को शांत रखने का प्रयास करिए। 27 और 28 जून का दिन भी अच्छा नहीं है। इस दिन चंद्रमा राशि से 12th हाउस में रहेंगे, और द्वादश में जब भी चंद्रमा रहते हैं, तो ये आपके खर्चे करवाते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ करवाते हैं, और आपके मन में चिंता भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इन दिनों में भी अपने सेहत का भी ध्यान रखिए और मन को भी शांत रखिए। अब दर्शकों, बात करते हैं कि जून के महीने के वो शुभ दिन कहाँ कौन से होंगे, जहाँ पर आपको बड़े आर्थिक लाभ हो सकते हैं। देखिए दर्शकों, आर्थिक लाभ के हिसाब से आपके लिए 5 जून का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दिन आपको बड़ा कोई धन लाभ होता दिख रहा है। चंद्रमा उच्च राशि के रहेंगे, निश्चित तौर पर कोई बड़ा मनी फ्लो आपके आने वाला है। 12 जून का दिन भी आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस दिन कोई आपको बड़ा लाभ होता दिख रहा है। गुरु चंद्रमा का केंद्र का संबंध अच्छा लाभ करवाएगा। 20 और 27 जून को भी गुरु चंद्रमा का केंद्र का संबंध बनेगा। निश्चित तौर पर आर्थिक दृष्टिकोण से ये दिन काफ़ी अच्छे हैं। कोई बड़ा धन लाभ आपको होगा, कोई रुका हुआ पेमेंट है तो मिल सकता है, अच्छे आर्थिक लाभ होते दिख रहे हैं। देखिए दर्शकों, आर्थिक लाभ के हिसाब से ये महीना वैसे भी आपके लिए काफ़ी मजबूत है। अब बात करते हैं विस्तार से कि जून के महीने में सभी के लिए कैसी स्थितियाँ बनी हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आपके पंचम भाव के मालिक चंद्रमा बनते हैं, तो मीन राशि वालों का वैसे भी थोड़ा पढ़ाई में मन कम लगता है, उनको केंद्रित होना पड़ता है, तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। राहु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, और इस महीने तो देखा जाए तो मंगल का प्रभाव भी है, तो पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि राहु आपको थोड़ा मन भटका सकते हैं, गलत चीज़ों में, गलत संगति में आप पड़ सकते हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखिए। शुक्र भी थोड़े मजबूत है इस महीने में, तो आप गलत आदतों के शिकार हो सकते हैं। संगति अपनी अच्छी रखिए, समय समय पर अपने माता पिता से सलाह लेते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। सही मार्गदर्शन मिलना आपको इस महीने में बहुत ज़रूरी है, आपकी दिशा भटक सकती है, तो अपने पढ़ाई पर केंद्रित रहिए, तब जाकर कोई अच्छी पढ़ाई होगी। हालांकि गुरु का सपोर्ट आपके उच्च शिक्षा भाव पर है, तो जो लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए समय काफी शुभ है, वो आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नौकरी पैसा लोगों के लिए। देखिए दर्शकों, नौकरी के हिसाब से देखा जाए तो महीना काफी ज्यादा मजबूत है। आपके कर्म भाव के मालिक गुरु मजबूत हो चुके हैं, और इस महीने में देखा जाए तो आपके लिए 13 जून के बाद स्थितियां और बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर अब आपको कोई बड़ी अथॉरिटी मिलती दिख रही है, कोई बड़ा मौका अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है जून के महीने में। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं, तो जून से अच्छा महीना आपके लिए नहीं हो सकता, आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए, और खास करके 13 जून के बाद में बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कोई बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। आप निश्चित तौर पर बड़े लाभ उठाएंगे इस महीने में। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए गुरु सूर्य की युति आपको मान सम्मान में वृद्धि करवाएगी। आपके लिए कोई, देखिए, जनता के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति भी बन रही है, तो स्थितियां काफ़ी अच्छी है। नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, आपके लिए स्थितियां काफ़ी अच्छी है, बड़े लाभ आपको होते दिख रहे हैं, और नई जॉब प्राप्त करने के लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा है।
अब दर्शकों बात करते हैं व्यापारियों की। देखिए, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना शुरुआत में थोड़ी परेशानी देगा, खास करके 12 जून तक आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, पर 13 जून को जब बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएगी, व्यापार बहुत रफ्तार पकड़ेगा, कोई ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो व्यापार को नया आयाम देंगे, कोई बड़ी डील भी आपकी जून में हो सकती है, बड़ा लाभ होता दिख रहा है व्यापार में। और जो आप अगर शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम करते हैं तो ये महीना यादगार रहेगा, कोई बड़ा जैकपॉट आपको लग सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। अब दर्शकों बात करते हैं आगे कि इस महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए दर्शकों, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके आय भाव के मालिक शनि हैं जो खर्चों के भाव में बैठे हैं, परंतु धन भाव के मालिक मंगल धन भाव में बैठे हैं, तो मजबूती दे रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से महीने को। शुक्र भी मजबूती दे रहे हैं, गुरु भी और मंगल भी, तो इस महीने काफ़ी अच्छे आपको आर्थिक लाभ होंगे, बड़ा धन लाभ होता दिख रहा है, मनी फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा। 13 से 27 के बीच में कोई बहुत ही बड़ा धन लाभ होगा आपको, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने में तो कोई खर्चे भी होंगे, खास करके कोई आपके द्वारा धार्मिक कार्य किया जा सकता है, कोई सेवा का कार्य किया जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है, इससे आपके आपको पुण्य ही मिलेगा, तो अच्छी स्थिति है, आपको ये करना भी चाहिए। अब दर्शकों बात करते हैं वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की। देखिए दर्शकों, वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो वैसे भी आपके सप्तम भाव से केतु गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में तनाव तो दिख रहा है, थोड़ा सा जो भी तनाव था या मतभेद थे या दूरियां आपके बीच आ गई थी वैवाहिक जीवन में, तो इस महीने में अच्छे मौके मिलेंगे आपके बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए। आपको थोड़ा आगे प्रयास करना चाहिए जीवन साथी को मनाने का, या जो भी आपके वाद विवाद हैं उन्हें दूर करने का, क्योंकि शुक्र मजबूत हैं, तो आपके बीच में प्रेम बढ़ना दिख रहा है। आपको जो भी वाद विवाद हैं बैठकर सॉल्व करने चाहिए, हालांकि केतु के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें तो रहेगी, परंतु शुक्र आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ाने का काम जरूर करेगा। इसके बाद दर्शकों, प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के हिसाब से भी महीना अच्छा है, बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर है, वाणी के कारण आप अपने पार्टनर का दिल दुखा सकते हैं, वाणी के कारण आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव भी पंचम भाव पर है, तो इस बात का ध्यान रखिए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए, अपनी ही बात को हमेशा मनाने का प्रयत्न मत करिए, आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब दर्शकों आगे बात करते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए दर्शकों, इस महीने में स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रह सकती है, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद 14 जून के बाद अपने अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी है, हृदय रोग है, तो भी अपने ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य का गोचर वहाँ पर चतुर्थ भाव से प्रारंभ हो जाएगा, तो हार्ट पेशेंट को अपना बहुत ध्यान रखना है 14 जून के बाद में। इसके साथ ही साथ मंगल पर शनि का प्रभाव है, तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव बहुत ही ध्यान से करिए, केयरफुली ड्राइव करिए, अन्यथा चोट चपेट की संभावनाएं भी बढ़ सकती है, तो हेल्थ के हिसाब से इस महीने में थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। अब दर्शकों, इस महीने को और शुभ और लाभकारी बनाने के लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो देखिए इस महीने को लाभकारी बनाने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए गुरुवार के दिन, साथ ही साथ हो सके तो गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष के साथ परिक्रमा करिए और वहाँ पर जल अर्पित करिए, इससे भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जो भी आपके कार्यों में विघ्न आ रहे हैं उनसे मुक्ति विष्णुदेव आपको जरूर दिलाएंगे। दर्शकों, ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।